भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और कान्हा की सेवा ऐसे ही रोज डेली करते होंगे। आज थोड़ा सा मुझे बहुत ही ज़्यादा उठने में लेट हो गया, क्योंकि बिटिया जो है पूरी रात जगाती रहती है। मैं सोचती हूँ थोड़ी सी क्लिफ ले लूँ रात की, लेकिन मैं ले नहीं पाती हूँ। और रात 3 बजे से लेकर पूरा 6 बजे तक जगना, उसको लेकर टहलना, मतलब एक अपने हिसाब से मतलब बहुत ही ज़्यादा जगना हो जाता है। तो आज 6 साल पहले इसी तरह जगते थे जब लड्डू हुआ था, तो उसके में भी पूरी पूरी रात जागना पड़ जाता था। और इस बार 6 साल बाद ये आई हैं, उसके बाद इनको लेकर अब जगना पड़ा। ज़्यादा टाइम तो नहीं जगना पड़ेगा, लेकिन अभी छोटे हैं, उनको भी समस्या होती है लेटे लेटे, इसीलिए वो जग जाती हैं। कोई बात नहीं, अभी जल्दी से बड़ी हो जाएंगी तब फिर नहीं जगेंगी, सोती ही रहेंगी। चलिए आइए जान लेते हैं क्यों बांधा जाता है अनंत चतुर्थी चतुर्दशी पर 14 गांठों का अनंत अंत सूत्र। भद्र मास भद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को विष्णु भगवान के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन उनके अनंत की 14 गांठों का धागा बांधा जाता है, जो विष्णु जी के 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। अनंत पूजा के दिन भगवान विष्णु के सहस नाम का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। अनंत की 14 गांठों को 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। विष्णु जी के 14 लोकों के नाम हैं, एक तल दुआ अतल, तीसरा वितल, चौथा सुतल, पांचवा तलातल, छठा रसातल, सातवां पाताल, आठवां भू, नवा भू, दसवां सो, ग्यारहवां जन, बारहवां तप, 13 सत्य, 14 मह। इस दिन विष्णु भगवान के 14 नामों का भी स्मरण किया जाता है। भगवान विष्णु के 14 नाम हैं, एक अनंत, दूसरा ऋषिकेश, तीसरा पद्मनाभ, चौथा माधव, पांचवा वैकुंठ, छठा श्रीधर, सातवां विक्रम, आठवां मधुसूदन, नवा वामस, दसवां केशव, गेरवा नारायण, बारवा दामोदर, 13 गोविंद, 14 श्री हरि। 14वां श्री हरि है, ये हैं भगवान विष्णु के नाम। इस दिन सबसे पहले दिन के पहले भाग में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान अनंत नारायण की कथा की सुनी जाती है। इसके बाद एक धागा में 14 गांठ लगाकर उसे धागे को धारण किया जाता है। अनंत चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में 14 गांठ वाले अनंत सूत्र की पूजा और धारण करने का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि 14 गांठ वाले इस पवित्र धागे को बाह में प्रसाद स्वरूप बांधने पर जीवन में किसी प्रकार का भय या फिर बाधा आने का डर नहीं है, रह जाता है। भगवान विष्णु अपने साधकों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें। जय श्री राधे कृष्णा। ये हमारा यहाँ पर पूर्ण हुआ क्यों बांधा जाता है अनंत चतुर्दशी पर 14 गांठों का सूत्र। तो हमने ये आपको बता दिया है। और आप वैसे तो इसके विषय में सबको पता ही होगा इसके बारे में। और जब श्री हरि विष्णु हमारे देव उठनी एकादशी पर उठेंगे तो कितना सारी चीज़ें मंगलमय होने लग जाएंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं, तभी तो शादी बरातें होने लग जाती हैं। और अभी तो नवरात्रि आने वाली है, अभी तो पितृपक्ष ही चल रहे हैं, मतलब शुरू हुए हैं, और जब अमावस्या आएगी पितृपक्ष हट जाएंगे। और यहाँ पर मैंने बेटी का 1 मंथ कंप्लीट हो गया था, तो थोड़ा सा फोटोशूट के लिए डेकोरेशन किया था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ये देखिए बेटी बन गई डॉक्टर तो बाहर दवाई लेने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राधे राधे सभी भक्तों को।